अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ताज कुकिंग सेंट्रल। बनाएंगे प्रोटीन बार, तो आइए देखते हैं अभी हमने इसके लिए क्या क्या तैयारी की है। यहाँ मैंने ले लिया है मोटे तले का एक बर्तन, इसमें ऐड कर दूंगी मैं बादाम। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, एकदम लो फ्लेम पे ही हमने इसको रोस्ट करना है, वरना ये हमारे फौरन जल जाएंगे और ये अंदर से रह जाएंगे थोड़े से कच्चे। इसमें ऐड कर दूंगी मैं पिस्ता, इसे भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट करने से इसमें एक क्रंचीनेस आ जाएंगी और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। इसे भी हमने लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। इसमें ऐड कर देंगे हम काजू, इसे भी हमने रोस्ट करना है। ये सब अपना अपना एक अलग अलग टाइम लेते हैं रोस्ट करने के लिए, रोस्ट होने के लिए। इसमें ऐड कर दूंगी मैं अखरोट, इसको मैंने चॉप कर लिया है, सभी ड्राई फ्रूट को मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो खड़ा भी डाल सकते हैं। इसे लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है, एक बहुत ही अच्छी बढ़िया स्मेल आ रही है इसमें से। अखरोट थोड़े से एक्चुअली नरम होते हैं, तो इसे हमने थोड़ा सा अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। आपको अगर जितनी भी कमजोरी हो, आपकी सारी कमजोरी थकान दूर कर देगा, एक इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा आपके अंदर। कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, किसी भी तरह की खून वगैरह की कमजोरी हो, खून की कमी हो, ये हेल्दी स्नैक्स आपकी तमाम कमियों को पूरा कर देगा। आप ज़रूर से मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये बगैर एकदम शुगर फ्री है। आपको अगर शुगर डायबिटीज़ वगैरह की शिकायत है तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करिए। ये बिल्कुल शुगर फ्री है, गुड़ वगैरह भी नहीं डाला है मैंने इसमें, ऐड नहीं किया है अभी तक। मैंने फ्लेम को एकदम लो रखा है, एकदम लो फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई कर ली है अच्छे से। ये जितने क्रंची होंगे उतना ही आपको टेस्ट देंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे लो फ्लेम पे भूनते हुए। अभी मैं इसे निकाल दूंगी। बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह क्रंची हो गए हैं सारे ड्राई फ्रूट, तो अभी हम इसे निकाल देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पम्पकिन सीड, इसे रोस्ट होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ये फौरन ही रोस्ट हो जाएंगे। मैंने अभी भी फ्लेम को लो ही रखा है एकदम। ये आपको ड्राई फ्रूट की दुकान में आसानी से एकदम अवेलेबल है। मैं ऐड कर दूंगी मस्क मेलन सीड, यानी जो अपने तरबूजे के बीज होते हैं, ये भी आपको ड्राई फ्रूट की दुकान में मिल जाएंगे आसानी से। ये बहुत जल्दी चटकने लगते हैं, तो इसे हमने एक कंटिन्यू स्टर करना है। ये एकदम से चटकने लग गए हैं, अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी तिल, ये देसी वाली तिल है। इसमें एक्चुअली ये बगैर ऑयल जो निकाले हैं, बगैर ऑयल निकाली हुई तिल है। ये एकदम बारीक है, इसके लिए हमने इसको कंटिन्यू स्टर करना है और ये जल्दी ही हमारी भून जाएंगी। सर्दियों का मौसम है तो आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए। एक ये एक्चुअली बहुत ही चीज़ें अपनी बॉडी को गर्म करती है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं खसखस, खसखस हमारी एकदम ही फौरन से भून जाएंगी। आप चाहे तो इसमें अलसी वगैरह के बीज भी ऐड कर सकते हैं।
आप रोज अपने खाने में तिल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप खाने के बाद अगर एक चम्मच रोज भुना हुआ तिल खाते हैं, इससे आपका वजन भी कम होगा और आपके हड्डियों में कभी भी आपके हड्डियों का ऑयल कम नहीं होगा। कभी घुटने वगैरह की शिकायत होगी, अगर आपको दर्द की कमर दर्द की शिकायत होगी, ये आपको कभी नहीं होगी तिल का रोजाना इस्तेमाल करने से। तकरीबन ये भून चुके हैं, अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद। मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक चम्मच के करीब घी, थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे हम इसे। इसमें ऐड कर दूंगी मैं खजूर, इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। अभी फ्लेम को आप मीडियम रख सकते हैं। आप चिक्की कहिए, स्नैक्स कहिए, हेल्दी प्रोटीन बार कहिए, ये मैश होना स्टार्ट हो गई है। हमारी खजूर पूरी मैश हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट। दो या तीन मिनट में मैं इसे ही है, ये अच्छी तरह से मैश हो गई है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दी हूँ सारे ड्राई फ्रूट। इसे अच्छी तरह से भी हम कर देंगे मिक्स। मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक कप के करीब हनी शहद, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और मिठास की कमी भी पूरी हो जाएगी। अब कर दे दें इसे मिक्स। हमने इसे कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। अभी हम निकाल देंगे इसे एक ट्रे वगैरह में। इसमें मैं ऐड कर इसे मैं ग्रीस कर दूंगी घी से, ऑयल से ग्रीस नहीं करना है। अगर आप इस ये प्रोटीन बार को स्टोर करते हैं तो आपके प्रोटीन बार में स्मेल आएंगी, इसलिए घी से ग्रीस करना है पेपर को। इसे हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसे हमने फ्रिज में नहीं रखना है, इसे हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर बाहर ही। एक घंटे के बाद ये बिल्कुल से एकदम सेट हो जाएंगी, फिर हम निकाल देंगे इसे। एक घंटा हो चुका है, ये सेट हो गई है। अभी हम इसे निकाल देंगे एक ट्रे पर, कर देंगे पीसेस। हमारी प्रोटीन बार बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से सेट भी हो गई है और एकदम परफेक्ट बनी है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।